अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा फर्स्ट चैप्टर वन, चैप्टर नंबर वन बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंटिन्यू है। इस चैप्टर के हमने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कर लिए हैं। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। मतलब मेन टॉपिक जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इस इफेक्ट के अंदर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट किन किन तरीकों से हो सकती है या किन किन मेथड्स के जरिए से हो सकती है और उन मेथड्स के नेम्स क्या क्या हैं। मींस कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके जरिए से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट जो है वो होती है। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में डिफरेंट ये मेथड्स हैं जिनके जरिए से इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। इसमें से फर्स्ट मेथड है इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड मेथड है रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट का ही दूसरा नाम मेसोबैरिक इफेक्ट है, थर्ड इफेक्ट इसमें है हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम जो इतना कॉमन नहीं है लेकिन इसके लिए यूज होता है वो है नेथन बेकर इफेक्ट्स। इसके बाद फोर्थ इफेक्ट है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो ये चार इफेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होती है। अब इनमें से जो ये तीन इफेक्ट्स हैं, इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर लें, रेजोनेंस इफेक्ट की बात कर लें, हाइपर कॉन्जुगेशन की बात कर लें, ये तीनों के तीनों इफेक्ट्स जो हैं ये इम्पॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं। बहुत ज़्यादा इनके क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा इनमें से क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं। इसमें जो चौथा इफेक्ट है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये एक अनइम्पॉर्टेंट सा इफेक्ट है, बहुत ही माइनर सा इसको डिस्क्राइब किया जाता है। तो यहाँ तक तो हमने देखा कि कौन से इफेक्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं और कौन सा अनइम्पॉर्टेंट है। तो ये इफेक्ट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको हम अनइम्पॉर्टेंट ही लेते हैं। अब इसमें जो पहले तीनों इफेक्ट्स हैं ये हमारे परमानेंट इफेक्ट्स हैं। परमानेंट इफेक्ट्स मीन्स कि ये परमानेंटली प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम इस टेम्परेरी इफेक्ट की बात करें तो ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात करें तो ये परमानेंट इफेक्ट नहीं है बल्कि ये क्या है, ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है। अब इसको हम टेम्परेरी क्यों कह रहे हैं, ये एक ऐसा इफेक्ट है कि ओनली प्रोड्यूस होता है जब कोई भी रिएक्टेंट जो है उस पे कोई रिएजेंट आके अटैक करता है। तो जब किसी रिएक्टेंट पे कोई रिएजेंट आके अटैक करता है तो ये इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की परमानेंटली डिस्प्लेसमेंट होती रहती है। इस केस में क्या है, रिएक्टेंट तभी ये इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जब कोई रिएजेंट इस पे आके अटैक करता है, तो उस वक्त ये इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और इस इफेक्ट्स को टेम्परेरी इफेक्ट कहा जाता है। तो यहाँ तक अभी हमने ये सिर्फ चार मेथड्स के नेम देखे कि कौन कौन से मेथड्स इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज़ होते हैं। फिर हमने इसमें से ये बताया कि कौन से परमानेंट इफेक्ट्स हैं और कौन से टेम्परेरी इफेक्ट हैं। आज जो हमने टॉपिक डिटेल में स्टडी करना है वो इंडक्टिव इफेक्ट है। मीन्स आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो अब हम इंडक्टिव इफेक्ट को डिटेल से देखते हैं। लेट्स स्टार्ट इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट में हम किन किन पॉइंट्स को स्टडी करेंगे इसको हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट हम इसमें इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। सेकंड जो पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे वो हम इंडक्टिव इफेक्ट को विद रिस्पेक्ट टू एग्जांपल्स जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड इफेक्ट इसमें हमारा फीचर्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट है।
फीचर्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट मीन्स इसमें हम डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट जो है उसको स्टडी करेंगे. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम आई पॉजिटिव इफेक्ट को डिस्कस करेंगे. मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये दो तरह का होता है. मीन्स इसकी टू टाइप्स होती हैं. वन इज आई पॉजिटिव इफेक्ट एंड द अदर इज आई नेगेटिव इफेक्ट. तो नेक्स्ट हम इसमें आई पॉजिटिव इफेक्ट को डिस्कस करेंगे. आफ्टर आई पॉजिटिव इफेक्ट डिस्कशन वी विल डिस्कस आई नेगेटिव इफेक्ट. तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिसमें हम इंडक्टिव इफेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे. अब सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, ये किस तरह से वर्क करता है, और इसके बाद हम इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट. तो इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन देखते हैं. अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट को डिफाइन करें तो इंडक्टिव इफेक्ट को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे. द चेंज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट अ नियर बाय एटम कास्ड बाय डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट. कि जब भी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से किसी भी नियर बाय एटम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज होती है तो उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, उसको हम इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे. इसको हम इस तरह से डिस्कस करते हैं. सपोज आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है, और इसके साथ एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है. हम कहते हैं कि इस फंक्शनल ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है. जब इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा कि नियर बाय एटम से ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा. जब इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो एक्चुअली क्या होता है, जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो यूँ सेंटर में मौजूद होते हैं, लेकिन ये एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या करता है, इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है. जब ये इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचता है तो इस एटम के पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाएगी पार्शली, नॉट कम्प्लीटली. अगर इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली यहाँ से रिमूव हो तो तब यहाँ पे क्या होगा, कम्प्लीट नेगेटिव चार्ज आएगा. अब यहाँ पे क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन मौजूद है, जस्ट इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हुई है टुवर्ड्स मोर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. तो इसकी वजह से क्या होता है, इस एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है. इसको हम डेल नेगेटिव भी कहते हैं. अब जब इस पर डेल नेगेटिव चार्ज आता है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से इस कार्बन एटम से ये इलेक्ट्रॉन का पेयर दूर चला गया. जब इस कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन का पेयर दूर चला जाता है तो इस कार्बन एटम के पास पार्शियली ये दूर गया है, यहाँ से निकला नहीं है, तो इस एटम के ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी बन रही है, और जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होती है आपको पता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है. तो यहाँ पे ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, की जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है इसको हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. तो ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिस बॉन्ड इज पोलराइज्ड. तो यहाँ पे पोलराइजेशन प्रोड्यूस हो गई है. मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस एटम पे और इस एटम पे क्या है, वो चेंज हो गई है. तो तभी हम इसको डिफाइन कर रहे हैं कि चेंज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट अ नियर बाय एटम, ये दोनों नियर बाय एटम्स हैं, एट अ नियर बाय एटम कास्ट बाय डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. आपको पता है कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर हम सपोज इसको फ्लोरीन कर लें तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, 4 होगी. कार्बन की आपको पता है 2.5 होती है. तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड जो है वो पोलराइज्ड हो गया है, और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं. तो ये डेफिनेशन यहाँ पे इसकी कंप्लीट होती है. द चेंज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट अ नियर बाय एटम कॉज्ड बाय डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट. और इस इफेक्ट की वजह से क्या होता है, पोलराइजेशन प्रोड्यूस होती है. ये कंप्लीट डेफिनेशन इन दोनों पॉइंट्स के साथ होगी कि इससे क्या होगा, पोलराइजेशन प्रोड्यूस होती है. ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लिया. जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है तो जो इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस होता है टुवर्ड्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा. अब
ये टूवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो पोलराइजेशन हमारा जो बॉन्ड है वो क्या हो गया, पोलराइज हो गया, मीन्स इसमें पोल्स इंड्यूस हो गए हैं। तो इसमें पोलराइजेशन ऑफ अ बॉन्ड इज इंड्यूस्ड बाय एडजेसेंट पोलर बॉन्ड ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या थे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो गए थे टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और उसकी वजह से हमारा बॉन्ड जो था इसमें पोल्स इंड्यूस हो गया, मीन्स ये पोलराइज हो गया। तो ये जो इफेक्ट है जिससे हमारे बॉन्ड्स जो है वो पोलराइज हो जाते हैं, इस इफेक्ट को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसमें दो केसेस हैं, एक केस तो है कि जब आई पॉजिटिव इफेक्ट होता है, सेकंड केस है जब आई नेगेटिव इफेक्ट होता है। इसको अभी जब हम एग्जांपल्स करेंगे तब हम इसको मजीद क्लियर करेंगे। अभी आप इन पॉइंट्स को जस्ट नोट डाउन कर लें कि जब भी आई पॉजिटिव इफेक्ट होता है तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है एट अ नियर बाय साइट वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी। मीन्स अगर यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप अटैच है, अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ पे सपोज वाई ग्रुप है और हम कहते हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई से ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो नियर बाय एटम पे इंक्रीज करेगी। ये सेकंड केस ले लें, इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट अ नियर बाय साइट इज डिक्रीज इन आई नेगेटिव इफेक्ट, तो यहाँ पे क्या है, ये एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और जब ये ग्रुप अटैच होगा तो उस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो नियर बाय एटम, जैसे ये कार्बन एटम है तो इस पे क्या है, डिक्रीज कर गई है। तो ये दोनों केसेस हम कुछ इस तरह से यहाँ पे मेंशन करते हैं। अगर यहाँ पे ये चीज आ रही है, एक केस आ गया, ये सेकंड केस, अगर हम कहते हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस केस में क्या होगा, इसमें पार्शियल नेगेटिव, इसमें पार्शियल पॉजिटिव और शिफ्टिंग यू होगी। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से इस आई, बल्कि यहाँ पे आप इसको यूं कर लें, आई वाई को ले लें। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि वाई की जो क्या है, ये केस डिफरेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कार्बन की ज़्यादा है। तो जब कार्बन की इसकी वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसका मतलब है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। जब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है टूवर्ड्स हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगी, तो हमारे पास ये चीज़ आएगी। तो जब हमारे पास ये जो इफेक्ट है वाई ग्रुप पे, ये क्या है कि आई पॉजिटिव इफेक्ट शो करेगा, तो इस केस में नियर बाय एटम पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। दूसरा केस लेते हैं, दूसरे केस में क्या है, हम कहते हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है, जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर होगी तो इलेक्ट्रॉन पे अपनी तरफ खींचेगा, इंडक्टिव इफेक्ट जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस साइड पे मूव करेंगे, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इन दिस केस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नियर बाय एटम इस इफेक्ट, इस आई नेगेटिव ग्रुप की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नियर बाय एटम वो क्या है, डिक्रीज हो गई है। तो यहाँ तक अभी हमने इसका जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है, अब हम इसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। अब हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स इन दोनों केसेस को स्टडी करते हैं। फर्स्ट केस, यहाँ पे हमारे पास ये ग्रुप जो है ये फंक्शनल ग्रुप है, और हम कहते हैं कि ये सपोज हमने फंक्शनल ग्रुप्स लिए, हम कहते हैं कि जो एक्स है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स एटम की ग्रेटर है तो उस केस में क्या होगा, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है उसको अपनी तरफ पुल कर लेगा। जब ये एटम इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल करेगा तो उसकी वजह से क्या है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये पार्शियल नेगेटिव या डेल नेगेटिव हम इसको बोलते हैं, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये अभी हमने डेफिनेशन में भी डिस्कस किया कि इंडक्टिव इफेक्ट में बेसिकली क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होती है टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ पे हमने ये केस डिस्कस कर दिया है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स एटम जो है वो ग्रेटर हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम से, तो उस केस में क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है,
और इसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इस पे क्या चार्ज आता है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज टूवर्ड्स द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब जो कार्बन एटम है इसमें क्या होता है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है क्योंकि जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट हो गए हैं टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो उसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव या हम इसको डेल पॉजिटिव कहेंगे। तो ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की स्लाइटली डेफिशिएंसी हो जाती है, तो ये ओवरऑल हमारा जो बॉन्ड है वो पोलराइज्ड हो गया है। तो इस पोलराइजेशन में ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। यहाँ तक अभी हमने देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या हुआ है। अब जो इलेक्ट्रॉन जो फंक्शनल ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट की अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये क्या होगा, टूवर्ड्स हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसकी डायरेक्शन होगी। अब जब भी जो भी फंक्शनल ग्रुप किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लें, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विथड्रॉ कर लें, तो इस तरह के इफेक्ट को, इस तरह के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, आई नेगेटिव ग्रुप कहेंगे। ये ग्रुप्स क्या कहलाते हैं, ये ग्रुप्स आई नेगेटिव कहलाते हैं। और ये इफेक्ट क्या कहलाता है, ये इफेक्ट आई पॉजिटिव आई नेगेटिव इफेक्ट कहलाएगा। लेकिन हम इफेक्ट की बात करें तो इफेक्ट हमारे पास क्या है, आई नेगेटिव इफेक्ट है। कि आई नेगेटिव इफेक्ट में क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं और ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स आई नेगेटिव ग्रुप्स कहलाते हैं और ऐसा इफेक्ट आई नेगेटिव इफेक्ट कहलाता है। अब इसको हम एग्जांपल से डिस्कस करते हैं, इसकी एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं। तो नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मैंने यहाँ पे इथाइल क्लोराइड लिखा है, बिल्कुल सेम उसी तरह से यहाँ पे एक्स हमने सपोज कर लिया कि क्लोरीन एटम है, कार्बन चेन यहाँ पे हमारे पास दो कार्बन वाली है। अब क्लोरीन का आपको पता है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, क्लोरीन जो है ये हैलोजन ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ये हैलोजन सारे जो है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो क्लोरीन ड्यू टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर लेगा। तो क्लोराइड जो है ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, आई नेगेटिव ग्रुप है और ये आई नेगेटिव इफेक्ट शो करेगा। तो ये क्या करता है, ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा तो इस कार्बन क्लोरीन एटम पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई है इस कार्बन पे, तो यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो इंडक्टिव इफेक्ट डायरेक्शन होगी वो टूवर्ड्स हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगी। तो ये हमने इस इफेक्ट को एग्जाम्पल से भी डिस्कस कर लिया। अब हम केस टू देखते हैं और इसको हम एक डिफरेंट एग्जाम्पल से कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे देखें सेकंड एग्जाम्पल, सेकंड केस हमने लिया, ये मॉलिक्यूल है हमारा, इसमें हम कहते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज हो गया और यहाँ पे वाई हम फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि अगर इस कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा हो जाए इस वाई एटम से, तो फिर कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अब अगर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई एटम, तो क्या होगा, ये कार्बन जो है इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा। जब ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा तो शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स कार्बन एटम होगा और उसकी वजह से क्या होता है, इस कार्बन एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब वाई एटम से इलेक्ट्रॉन्स दूर चले गए हैं, जब वाई एटम से इलेक्ट्रॉन्स दूर चले गए हैं तो इस केस में क्या होता है, इस एटम पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पार्शियल यहाँ पे भी हमारा बॉन्ड जो है ये वाला बॉन्ड ये पोलराइज्ड हो गया है। अब
अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो जो डायरेक्शन होगी वो क्या होती है, इंडक्टिव इफेक्ट में टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम होती है, तो डायरेक्शन इस केस में क्या होगी कि फर्स्ट केस से अपोजिट हो जाएगी। अब ये जब भी कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम है, तो उस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये वाला जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अटैच है ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाएगा, और इसकी वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसको हम आई पॉजिटिव या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट कहेंगे। तो ये फंक्शनल ग्रुप, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कहते हैं, और इसको हम सिंबल आई पॉजिटिव इफेक्ट से शो करते हैं, आई पॉजिटिव इफेक्ट से शो करते हैं, और ये जो हमारे पास इफेक्ट आता है इसको हम आई पॉजिटिव, इसको हम आई पॉजिटिव इफेक्ट कहेंगे। तो ये चीज हमारे पास आ गई। तो ये दो केसेस हमने डिस्कस कर लिए, अब हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एल्कोक्सीआइन, इसको हम एथोक्सीआइन कहते हैं। यहाँ पे ये ग्रुप जो लगा है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये नेगेटिव चार्ज, इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस एटम को दे देगा। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन इस एटम को देगा, और ये क्या है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो कार्बन क्या करेगा, इस एटम से इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेगा। जब ये इस एटम से इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करेगा तो इस एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और